गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 7 में विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 6 मध्ययुगीन शासन व्यवस्था और स्थापत्य में भाग 2 पढ़ेंगे। तो बच्चों चलो अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जैसा कि हमने भाग 1 में पढ़ा था कि राजपूत युग में कई सारे साहित्य ग्रंथ और नाटक लिखे गए थे, तो बच्चों उन्हें नाटकों के कुछ नाम और उनके रचयिताओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक रचना लिखी है, कल्हड़ ने राज तरंगणी नामक साहित्य लिखा है, बिल्हड़ नामक कवि ने विक्रमांक देव चरित्र नामक रचना लिखी है, सोमदेव कवि ने कथा सरिता सागर लिखा है, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो साहित्य लिखा है और मेरुतुंग ने प्रमोद चिंतामणि नामक साहित्य लिखा है। तो बच्चों ये हमारे हुए साहित्य। अब हमारा तीसरा पॉइंट है हमारा स्थापत्य, कि राजपूत राजाओं ने कौन कौन से स्थापत्य बनवाए थे। तो बच्चों राजपूत युग में जो निर्माण हुए उनमें मंदिरों का इमारतें निर्मित करवाने के बहुत ही शौकीन थे। अर्थात बच्चों आज के मंदिर अगर आप लोग देखोगे तो मंदिरों की दीवारें एकदम क्लीन और एकदम सीधी होती हैं, परंतु राजपूत राजाओं के युग में महलों किलों मंदिरों की दीवारों पर शिल्पकला अर्थात छेनी और हथौड़ी की मदद से मंदिरों किलों और राजमहलों की दीवारों पर अलग अलग प्रकार के चित्र गढ़े जाते थे। जैसा कि आप लोगों को मैं दिखाऊं, तो इस चित्र में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि मंदिरों की दीवारों पर छेनी और हथौड़ी की मदद से अलग अलग प्रकार की आकृतियां बनाई गई हैं। बच्चों इन्हीं आकृतियों को शिल्पकला कहा जाता है। बच्चों इसी प्रकार उत्तर भारत के कई सारी मंदिरों का निर्माण मध्य प्रदेश के खजुराहो का मंदिर और भुवनेश्वर की पूरी मंदिर शिल्प और स्थापत्य का अद्वितीय नमूना मानी जाती है। उसका कारण यह है कि सूर्य इन दीवारों पर अद्वितीय शिल्पकला की गई है। इस समय कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था। भारत में जो अन्य सूर्य मंदिर हैं उनमें से कश्मीर का मार्तंड मंदिर और गुजरात के मोडेरा में आया हुआ सूर्य मंदिर प्रख्यात है, क्योंकि बच्चों इन मंदिरों में अनेकों शिल्प कलाएं की गई हैं, अर्थात इनकी दीवारों पर अनेकों चित्र बनाए गए हैं जो देखने में अति सुंदर लगते हैं। मोडेरा का सूर्य मंदिर जगमगा उठता है। कोणार्क के सूर्य मंदिर की विशेषता यह है कि सूर्य मंदिर को इस आकार का बनाया गया है कि वह देखने में इस प्रकार लगता है कि एक रथ और जिसे 7 घोड़े खींच रहे हों। इस आकार का कोणार्क का सूर्य मंदिर बनाया गया है। और अगर हम मंदिरों की बात करें तो दक्षिण भारत में इलोरा में हिंदू बौद्ध और जैन इन तीनों धर्म की गुफाएं हैं, जैसे कि कैलाश मंदिर इन सभी धर्मों में प्रसिद्ध धर्म माना गया है, अर्थात हिंदू धर्म का यह प्रसिद्ध मंदिर है। मुंबई के नज़दीक एलिफेंटा की गुफाएं आई हुई हैं, इनमें 3 मुख्य वाले शिव का शिल्प प्रसिद्ध है। बच्चों मुंबई के नज़दीक जो एलिफेंटा की गुफा आई हुई है उसमें शंकर भगवान की 3 सिर वाले मूर्ति की शिल्पकला बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसे देखने के लिए भारत के ही लोग नहीं परंतु और भी देश विदेश के लोग आते हैं। और अगर हम मंदिरों की बात करें
और उनके शिल्पकलाओं की बात करें तो बच्चों मदुराई का मीनाक्षी मंदिर सारे देश में प्रख्यात है। ऐसा कहा जाता है कि मदुराई का मीनाक्षी मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। दक्षिण भारत में मंदिर को गोपुरम के नाम से जाना जाता है। वे ऊंचे भव्य प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध हैं। आप लोग और भव्य होता है। ऐसे भव्य मंदिरों की प्रसिद्धि सुनकर कई विदेशी आक्रमणकारी भारत को लूटने के लिए कई बार आक्रमण कर चुके हैं, जिनमें से एक घटना याद आती है। वह है गुजरात के सोमनाथ के भव्य मंदिर की, जिस पर मोहम्मद गजनी ने आक्रमण करके सोमनाथ को लूट लिया था। तो बच्चों ये हुई हमारी स्थापत्य। तो बच्चों हमने पिछले भाग एक में राजपूत शासन व्यवस्था, राजपूत राज्य में गांव की व्यवस्था किस प्रकार थी और राजपूत युग के साहित्य के बारे में पढ़ा था। और बच्चों भाग दो में हम पढ़ रहे हैं राजपूत साहित्य और स्थापत्य। बच्चों ये हमारा साहित्य हुआ। अब हम बात करते हैं मोहम्मद गजनी की, जिसने सोमनाथ की भव्यता को देखकर लालच में आकर उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो बच्चों ऐसे राजपूत युग में अनेक शौर्य और स्मरण के लिए याद किया जाता है। तो बच्चों इसी प्रकार हम साहित्य, अनोखे मंदिर और किलों को देखकर हम राजपूत युग की भव्यता और सुंदरता को याद करते हैं। इस समय बेजोड़ स्थापत्य का भी निर्माण हुआ। इस समय कई आक्रमणकारियों ने भारत पर चढ़ाई की और ईस्वी सन 1000 से ईस्वी सन 1075 के दौरान मोहम्मद गजनी ने कई बार भारत पर चढ़ाई की। मोहम्मद गजनी फिर भी वह पुनः तैयारियों के साथ आंधी की तरह भारत पर चढ़ आता था। हमारे राजपूत राजा कई बार उसके सामने लड़ाइयाँ लड़ते थे, परंतु गजनी युद्ध में हारने के बाद पुनः तैयारी करके वह भारत पर आक्रमण करने के लिए चला आता था। ऐसे ही एक बार आंधी की तरह वह सोमनाथ मंदिर पर भी चढ़ आया। उस समय गुजरात में भीमदेव सोलंकी का शासन था। सौराष्ट्र और गुजरात में बहुत से लोगों ने सोमनाथ को बचाने के लिए भीमदेव सोलंकी का साथ दिया, परंतु वे असफल रहे। भीमदेव सोलंकी ने बहादुरी पूर्वक सोमनाथ की रक्षा की, परंतु वह युद्ध में हार गए और मोहम्मद गजनी ने हमारी सोमनाथ मंदिर को लूट लिया और उस मंदिर को नष्ट कर दिया। बच्चों ये हुई गजनी की बात, मोहम्मद गजनी की बात। अब हम बात करते हैं उसी के नौकर शहाबुद्दीन गोरी की। तो बच्चों गजनी के निधन के बाद गजनी प्रांत का सत्ता स्थापित करने हेतु वहाँ के सुल्तानों में जबरदस्त दावपेच खेला गया। अर्थात कि जब गजनी का राजा मोहम्मद गजनी मर गया, तब गजनी की सत्ता को हासिल करने के लिए वहाँ के सुल्तानों में झगड़ा शुरू हो गया और राजपूत शासकों के इस निर्बलता का लाभ नहीं लिया, जिसके कारण मोहम्मद गजनी की सत्ता पर शहाबुद्दीन गोरी नामक एक मजबूत शासन स्थापित हुआ। उसने भारत पर कई बार चढ़ाई करने की सोची। मोहम्मद गजनी ने भारत पर धन की लालसा के लिए आक्रमण करने का विचार किया था, परंतु मोहम्मद गजनी ऐसा नहीं था। उसने भारत को लूटने के लिए नहीं, परंतु भारत पर शासन करने के लिए वह भारत पर आक्रमण करने
आया था। शुरुआत में शहाबुद्दीन गोरी सफल नहीं हुआ। उसका यह कारण था कि अहिलवाल पाटण की महारानी नायका देवी ने उसके सामने अपराजय योद्धा की तरह युद्ध लड़ा और शहाबुद्दीन गोरी को युद्ध में पराजित कर दिया। बच्चों, अहिलवाल पाटण की महारानी एक वीरांगना थी जिन्होंने स्त्री होकर शहाबुद्दीन गोरी जैसे शासक को धूल चटा दी और भारत से बाहर कर दिया। बच्चों, शहाबुद्दीन गोरी को इस पराजय के कारण 12 साल तक भारत की ओर चढ़ाई करने का नाम नहीं लिया, कारण कि एक स्त्री के हाथों हार प्राप्त करना ये शहाबुद्दीन गोरी को बहुत ही शर्मनाक लगा। इस कारण से वह 12 वर्ष तक भारत पर चढ़ाई करने की उसने विचार भी नहीं किया। तो बच्चों, स्त्री के हार से वह शर्मनाक हुआ, परंतु उसने अचानक से दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। उस समय दिल्ली पर पृथ्वीराज चौहान का शासन था। बच्चों, पृथ्वीराज बिना पूर्व तैयारी के हिम्मत से अकेले लड़े। साथी राजपूत शासकों का साथ न मिलने के कारण पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हार गए। दिल्ली पर से राजपूत शासन का अंत हुआ, अर्थात बच्चों, पृथ्वीराज चौहान दिल्ली पर अंतिम राजपूत राजा के नाम से जाने जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान के बाद दिल्ली पर शहाबुद्दीन गोरी ने की सल्तनत स्थापित हुई, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई। शहाबुद्दीन गोरी के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसका प्रिय गुलाम सरदार कुबुद्दुद्दीन ऐबक आया। वह गुलाम वंश के स्थापक के रूप में जाना गया। यह गुलाम वंश के रूप में क्यों जाना गया? क्योंकि बच्चों, यह शहाबुद्दीन गोरी का गुलाम था और गुलाम के शासन करते ही गुलाम वंश की स्थापना हुई। बच्चों, ये पृथ्वीराज चौहान का चित्र है। बच्चों, पृथ्वीराज चौहान इतने शूरवीर और इतने महान राजा थे कि इन्होंने शब्द भेदी बाण चलाकर शहाबुद्दीन गोरी को मार गिराया। शब्द भेदी बाण अर्थात कि शब्दों को ध्यान में रखकर तीर चलाया और शहाबुद्दीन गोरी को मार गिराया। बच्चों, बंदी होने के बावजूद भी ये शहाबुद्दीन गोरी को मार गिराया था इन्होंने। बच्चों, इस तरह भारत में दिल्ली की गद्दी पर राजपूत शासन का अंत हुआ। देश की राज्य व्यवस्था और समाज व्यवस्था में परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन कैसे थे, क्यों परिवर्तन करने पड़े, ऐसे कई सारे प्रश्न के बारे में हम सोचेंगे। शौर्य और समर्पण के सामने गद्दी के लिए दावपेच की शतरंज खेली जाने लगी। दिल्ली की गद्दी अब रक्त रंजित बन गई। बच्चों, उस समय भारत का मुख्य केंद्र दिल्ली था और कई सारे राजा यह चाहते थे कि उनका शासन दिल्ली पर हो, इसलिए दिल्ली की गद्दी के लिए कई सारे राजाओं के बीच युद्ध निरंतर चलता रहा। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी अब रक्त रंजित है, अर्थात खून से रंगी गई है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। ओके बच्चों, पाठ की समाप्ति के साथ थैंक यू।